जो ओबीसी एससी एसटी के बेटियों को शादी के बाद 3 दिन अपने घर रखते हैं, उनके लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे? जिन्होंने शुद्धिकरण प्रथा बनाया, देवदासी प्रथा बनाया, वो लोग ढोंगी ही नहीं, वो लोग चरित्रहीन भी हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, जो रामायण को काल्पनिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे बिचौलिए हैं जो धर्म के बीच, आस्था के बीच और भक्तों के बीच आते हैं। फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बिचौलिए कौन है जो आप कह रहे हैं, ये कौन है बिचौलिए? जो भगवान और पब्लिक के बीच में जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वही मतलब बिचौलिए। लेकिन वो तो पूजा कराते हैं ना उसे समाज में, पंडित जी कौन सा पूजा भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब आस्था होता है, आत्मा से होता है, लेकिन आडंबर फैलाइए। अच्छा बताइए, वो लोग कौन हैं? मैं उनको बिचौलिया मानता हूँ जिन लोगों ने दासी प्रथा बनाया हमारे ओबीसी एससी एसटी के बेटियों के साथ, अन्याय किया, दासी प्रथा बनाकर शुद्धिकरण प्रथा बनाया और शुद्धिकरण के नाम पर हमारे ओबीसी एससी एसटी के बेटा बेटी का जब शादी होता था तो उनको शुद्धि प्रथा के तरह 3 दिन अपने घर में रखते थे, उसके बाद बेटी वहाँ से अपने ससुराल जाती थी। इन्हीं लोगों के मैं बिचौलिया का प्रयोग, यही हकीकत है ना, समाज का यही हकीकत है जो आप दिखा रहे हैं। अरे भाई, मनुस्मृति में लिखा हुआ पढ़ लिए ना, उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है ना। तो रामायण को भी कहते हैं कि काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक। हम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप मानते हैं कि ये लोग ढोंगी हैं जो बीच में आते हैं भगवान और भक्त? जो भी लोग मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति को लिखा है, जो पूजा पाठ करते हैं घूम घूम करके, पंडित जी लोग कहते हैं उनको, वो ढोंगी है ना? अधिकार किसने उनको मतलब दिया? वो ठेकेदार नहीं है? अरे उनको ठेकेदारी करने का अधिकार किसने दिया? वो सब इन मनगढ़ंत जो है ग्रंथों में लोगों के बीच डर पैदा कर करके ये काम लोग कर रहे हैं। वो ढोंगी है, आप मानते हैं कि नहीं ढोंगी है, पाखंड फैला रहे हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप बता दीजिए ना, आप विधायक जब प्रतिनिधि हैं तो आप तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के पढ़ लीजिए। अंतिम ही सवाल है मेरा, बताइए ना कि वो ढोंग समाज को अंधकार में ठेल रहे हैं ना वो लोग? हर लोग नहीं ना है। हाँ? जो लोग अंधविश्वास फैलाने में, देखिए हर जाति में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ आप बताइए, जो शुद्धिकरण प्रथा चलाने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? जो ओबीसी एससी एसटी के बेटियों को शादी के बाद 3 दिन अपने घर रखते हैं, उनके लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे बताइए? तो पाखंडी है, आप मानते हैं? पाखंडी ही नहीं है। हाँ। जिन्होंने शुद्धिकरण प्रथा बनाया और जिसने ये देवदासी प्रथा बनाया, वो लोग ढोंगी ही नहीं, वो लोग चरित्रहीन भी हैं। धान खरीद होता है किसानों से, गवर्नमेंट को जाता है, तो बीच में कौन रहता है? बिचौलिया। उसी प्रकार देवताओं और जनता के बीच में जो बिचौलिया हैं, वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लालू जी पूजा, अरे भाई जो नफ कहेंगे आपके नेता पूजा, अरे मैं कहाँ पूजा से मना कर रहा हूँ? आपने कहा कि फालतू खर्च है इसलिए। हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं, बिचौलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। फालतू खर्च, ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं उनकी बात, ठेकेदारी उनको मिला है क्या? पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं, ढोंगी भी हैं वो लोग, चरित्रहीन भी हैं। फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ थे, जो घर घर घूमते हैं, पंडित जी पूजा कराते हैं, बड़के पाखंडी हैं जो भगवान और भक्त के बीच में ठेका ले रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह का ये बड़ा बयान विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।